नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि कोरोना काल में आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो का हमारा मेन पर्पस है कि जो 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का मेन होने वाला है, उसको क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इवन टाइम फ्रेम। मैं यही आशा करता हूं कि अगर आपने तैयारी करी हुई है ऑलरेडी, अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी और अप्रोच फॉलो कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। देखिए, कंपटीशन जो है ना, वो आपसे एक्सलेंस डिमांड नहीं करता है। कंपटीशन का एक बेसिक रूल है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से बस आगे रहिए, ठीक है। जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज को आप मान के चलिए कि इतने कॉम्पिटिटर हैं आपके, और आपको उनसे आगे रहना है। अगर आप ये कर पाए तो आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में आपका नाम आ जाएगा, और फिर उसके बाद अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बेस्ड अपॉन योर नॉलेज, तो आप टॉप रैंकर भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा, किस तरीके से हम इस बिहार जुडिशरी के मेंस को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ये जो मेंस का एग्जाम है उसमें एक कंपलसरी पेपर है और आपको तीन ऑप्शनल चूज करने होते हैं, ऑप्शनल कॉम्बो चूज करना होता है आउट ऑफ 5, ठीक है। तो आप समझिए कि जो ऑप्शन, जो पेपर होता है, वो 150 मार्क्स का होता है, और उसमें मैं कंपलसरी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ऑप्शनल की बात कर लेता हूं, और उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है। इस तरीके से अगर आप कॉम्बो की बात कर लेते हैं, मान लीजिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात कर लेते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट से 3 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो पता चलता है कि क्वेश्चन जो है ना, वो काफी रिपीट होते हैं, क्योंकि सिलेबस तो कन्फाइंड है और इसमें करंट अफेयर जैसा कुछ होता नहीं है कि आपको नई चीजें यहां पे ऐड ऑन होंगी। आपके पास एक लिमिटेड सिलेबस है और वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे ऐसा होता है कि अगर आप ये एनालाइज कर लें कि क्या इंपॉर्टेंट है, और ये जो एनालिसिस होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए होता है, अगर आप एनालाइज कर पाते हैं, और इस तरीके से अगर आप हर सब्जेक्ट से डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट है जिससे कि 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उससे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए और आप उनके रेडीमेड आंसर्स तैयार करके रख लीजिए अपने पास। अगर आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि आपके हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 10 10 क्वेश्चन करके, मतलब एक आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होता है टू रेफर, और अगर आप उसी को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप उसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसके ऊपर आपका कमांड हो जाएगा। और बिलीव मी, अगर आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है तो वो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो उन 10 क्वेश्चंस से बाहर नहीं आएगा। मोर और लेस आपका जो है वहीं से आ जाता है क्वेश्चंस। तो इस तरीके से अगर आप कमांड कर लेते हैं 10 10 क्वेश्चंस को हर एक सब्जेक्ट से, कमर्शियल लॉ का कॉम्बो लेते हैं जिसमें कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो वहां पे 10 क्वेश्चन, मतलब हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। वहां से आप देखिए कि वहां से अगर आप 5 5 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हैं बेस्ड अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, और वो इंपॉर्टेंस मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंस पता चलेगा आपको जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, आपको पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर आप एनालाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को
और आपके पास बंच ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसको आप बस बार बार उन्हीं को कमांड कर रहे होंगे, बार बार उन्हीं को देख रहे होंगे। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को देखेंगे तो बिलीव मी विद इन टाइम फ्रेम आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन लेकर जाते हैं, मतलब ये सोच के जाते हैं कि मैं सब कुछ पढ़ लेता हूं और क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट मैं एनालाइज करूंगा एग्जामिनेशन हॉल में, ये स्ट्रेटेजी जो है वो कॉम्पिटिशन के लिए थोड़ी फेटल साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, फिर उसको लिखेंगे, यू नो इट विल टेक टाइम। और आपको 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 3 घंटे में 6 क्वेश्चन लिखने हैं, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंटेंट भी अच्छा हो उसका। सारी चीज़ें आप पहले से कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करके, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे आप कहाँ तक अपने आप चलने लगेगा, ठीक है, और आप क्वेश्चन को लिख पाएंगे और विद इन टाइम आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा इस अप्रोच से। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन जो है ना वो एक स्ट्रेटजी का खेल होता है। नॉलेज नो डाउट वो तो प्राइमरी है, बट क्या हर नॉलेज वाला बंदा सेलेक्ट हो जाता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो जो स्मार्टली वर्क करता है ना वही कैंडिडेट सक्सेस पाता है इस एग्जाम या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में। इसलिए इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहूंगा आपको कि हर सब्जेक्ट से आप कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएगा? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। और आई एम श्योर कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा ही होगा। तो आप पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, वहां से जो चीजें कॉमन है उनको सबसे पहले प्रिपेयर करिए, उसके बाद जो चीज़ें इंटरवल में रिपीट हो रही हैं उनको फिर प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आप एक अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। एक बार आपकी स्ट्रेटेजी तैयार हो जाएगी ना तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉट कॉन्ट्रैक्ट, इन सारे सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लूँ, सो दैट आपको एक थोड़ी हेल्प मिल जाए मेंस के लिए। राइट, स्टडी तो आपको ही करनी है, बस एक असिस्टेंस मिल सकता है आपको। राइट, तो मैं ये क्लेम नहीं करता कि आपको एग्जॉस्टिव ज्ञान मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कि उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पढ़ना आप ही को है। बस एक डायरेक्शन जो मेरे अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी हो सकती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर हम मिलके इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। राइट, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है catalyticlegal@gmail.com। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए इसको। अगर आपको लगता है कि किसी और कैंडिडेट को ये हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ शेयर करिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे। तो अगर मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ तो मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूँ मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।